आने वाली पीढ़ी को पौधों के जरिए ऑक्सीजन फराहम करने के लिए उस्मानिया कॉलेज भी शामिल। इस न्यूज को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है फखरुद्दीन एकेडमी फिजिक्स। फिजिक्स सीखने के लिए फखरुद्दीन एकेडमी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। रियासत आंध्र प्रदेश के शहर कर्नूल के खदीम इदारा उस्मानिया कॉलेज में भी आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ और पौधों के जरिए ऑक्सीजन फराहम करने की जिम्मेदारी उठाई। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन फराहम करने में पौधे से लेकर पेड़ बनने तक की जिम्मेदारी उठाई उस कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट गौस पीर ने। उन्होंने द पी टाइम से खास बात करते हुए बताया कि इस बरस कोरोना की वबा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कईयों ने अपनी जान गंवा बैठी है, जिसकी अहम वजह यह है कि मौजूदा पेड़ और पौधों को काट देना, जिसके चलते आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कईयों जान गंवा बैठेंगे, जिसके चलते आज उन्होंने एनसीसी कॉप्स को लेकर उस्मानिया कॉलेज में प्लांटेशन का प्रोग्राम किया। इस प्लांटेशन प्रोग्राम में उस्मानिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मकबूल हुसैन, वाइस प्रिंसिपल सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल, कोऑर्डिनेटर अनवर हुसैन और सूबेदार हरिओम भी शामिल रहे। आज ट्री प्लांटेशन वन महोत्सव हो रहा है कि आज के दिन पूरा स्टेट पे वन महोत्सव या ट्री प्लांटेशन हो रहा है। इस प्रकार से भी आज भी एक्स सीएम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी का बर्थडे भी आज ही मनाया जा रहा है। प्रिंसिपल कमिश्नर आदेश और 20 बटालियन के ग्रुप कमांडर एंड सीओ सर का आदेश से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समीउद्दीन साहब, हरिओम साहब, सूबेदार हरिओम साहब, सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।